कल नौ तक हो गया था ना, अब क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे। 10 में क्या है भाई दिनेश? तो सर 10 क्वेश्चन नंबर 10 में है साइन एन प्लस वन के इंटू में एक्स, फिर साइन एन प्लस टू के इंटू में एक्स प्लस कॉस एन प्लस वन इंटू में एक्स, फिर कॉस एन प्लस टू इंटू में एक्स इज इक्वल टू में कितना है कॉस एक्स, है ना? ये हमारे पास, ठीक है, लो तो ये हमारे पास है बेटा, है ना? साइन एन प्लस वन इंटू एक्स, साइन एन प्लस टू इंटू एक्स, कॉस एन प्लस वन, है ना? ये मेरे पास है। देखो उसमें क्या करना है कि अगर हम वन बाय वन आराम से एक चीज़ देखें कि एक चीज़ आप देख रहे हैं इन सब में एक पैटर्न अप्लाई हो रहा है, एक पैटर्न लग रहा है इन सब में। पैटर्न ये लग रहा है कि जैसे यहाँ पर n प्लस वन आ रहा है तो उसके साथ n x आ रहा है, या n प्लस टू तो उसके साथ x आ रहा है, n प्लस वन इसके साथ में x आ रहा है, या n प्लस टू तो उसके साथ में क्या आ रहा है x आ रहा है ना? तो दो चीज़ हम देख रहे हैं कि n प्लस वन के साथ x, फिर n प्लस टू के साथ x। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दो ही प्रकार के, जो हम इनको एंगल बोल सकते हैं, है ना, ये रिपीट हो रहे हैं। हालांकि एंगल सिर्फ इतना ही, एंगल सिर्फ n प्लस वन ही यहाँ पर एंगल है, ये ना यहाँ पर रिपीट हो रहा है बार बार। यहाँ पर एक बार देखना, ये जो x है, ये इस x को उन्होंने एज ए थीटा लेकर चले हैं, या है ना, हालांकि इसका चाहे इसको थीटा लो या कुछ भी लो कोई दिक्कत नहीं, अगर इसको थीटा भी ले लो, थीटा भी ले लो कोई समस्या नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इस देखो एन प्लस इस पूरे को अगर हम ए लेकर चलते हैं, ए लेकर चलते हैं इस पूरे को, ए इतने पार्ट को, आइए एन प्लस टू इंटू एक्स को क्या लेकर चल रहे हैं हम, बी, और एन प्लस वन इंटू एक्स को हमने क्या लेट किया हुआ है, ए, और एन प्लस टू इंटू एक्स को हमने क्या लेट किया हुआ है, बी, है ना? तो एक फॉर्मूला बन रहा है, कहीं ना कहीं क्या बन रहा है कि साइन ये ए हो रहा है, फिर ये क्या हो रहा है, ये क्या आ जाएगा पूरा बी, साइन बी प्लस क्या आ रहा है कॉस ए और साथ में कॉस बी, बताओ। तो कोई ऐसे कोई फॉर्मूला होता भाई हैं? तो वो साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, नहीं ये तो नहीं होता, इसका उल्टा होता है ना, ये होता है ना क्या, कॉस ए कॉस, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये जरूर फॉर्मूला होता है हमारे पास, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना, साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये वाला कॉस एक्स माइनस वाई, यानी कॉस ए माइनस बी का, बस जो जिस प्रकार इस पूरे की वैल्यू इसके बराबर है तो यहाँ भी ऐसे तो हो जाएगा, मतलब सर जो पूरा है ना ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी के बराबर, ए तो ए यहाँ पर हमने लेट किया हुआ है एन प्लस वन इंटू में एक्स को, माइनस बी, बी कौन है, ये सर b है n प्लस टू इंटू में x, तो cos, अब देखो सर n को x से मल्टीप्लाई करो n x, x को 1 से मल्टीप्लाई करो माइनस x, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे, x को n से मल्टीप्लाई करो माइनस एन एक्स, एक्स इंटू टू माइनस का 2x, ठीक है, तो एन एक्स पॉजिटिव है एन एक्स निगेटिव है कैंसिल, कॉस ये बचेगा, क्या हो गया कुछ दिक्कत हो गई यहाँ पे, ये कितना है प्लस,
ये ना, हाँ ये प्लस है ना, ये प्लस है, हाँ ये प्लस है, तो प्लस है ना, तो माइनस टू है ना, एक्स माइनस टू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। और आपको पता है कि कॉस माइनस का थीटा इक्वल टू क्या होता है, प्लस का कॉस थीटा हो जाता है ना, कि कॉस अपने अंदर के माइनस को खा जाता है, तो कॉस माइनस का थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, सेम कॉस माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ये बार आंसर आ गया। है ना, ये तो मुझे चाहिए था क्यों मन, है ना। ठीक है, अगला देखो, अगला देखो, अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, कॉस 3x प्लस 4 प्लस में x माइनस कॉस 3π/4 माइनस में x, और राइट साइड क्या है, माइनस 2। ये हमारे पास है ना भाई, देखो ये हमारे पास है, ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तो क्या करोगे यार। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पाई बाई टू है तो कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा साइन साइन थीटा आ जाए, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो आप ये काम कर रहे हो, देखो बाहर कॉस है तो एक कॉस के अंदर कोई एंगल आ रहा है, अगर इसको आप ए लेकर चलते हो, फिर यहाँ पर कॉस के अंदर भी कोई एंगल आ रहा है, अगर आप इसी क्या लेकर चलते हो, आप इसी क्या लेकर चलते हो, आप बी लेकर चलते हो, बी है ना, तो एक फॉर्मूला नहीं बन रहा क्या, कॉस ए माइनस कॉस बी, तो कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, माइनस माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू और साइन ए माइनस बी बाई, ए माइनस है ए माइनस बी बाई टू। तो यहाँ भी प्यारे बच्चों सेम ऐसे ही होगा, माइनस टू साइन, तो यहाँ पर ए मतलब ये और ए मतलब ये और बी मतलब ये है ना, तो ए मतलब 3π/4 प्लस एक्स में ऐड करेंगे, प्लस एक्स में ऐड करेंगे 3π/4 माइनस का एक्स, फिर इंटू में क्या है साइन है ना ए प्लस बी, ए मतलब ये 3π/4 प्लस एक्स में माइनस करेंगे, ध्यान देंगे ना, तो जब इसमें सही से इसको माइनस किया जाएगा ना, इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे बेटा, ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, और ये माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस, और अपॉन में कितना आएगा टू, अपॉन में टू भी तो है, ठीक है, तो माइनस टू साइन, देखो सर ये दोनों क्या जाएंगे कैंसिल, ठीक है। अब बड़े एक चीज़ देखिए, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम तो 4 ही आएगा, बड़े कितना हो जाएगा ये क्या 6π/4, अब पूरे का अपॉन में कितना आ जाएगा 2 साइन, यहाँ पर इस बार ये कैंसिल हो जाएंगे है ना, और कितना आ गए 2x अपॉन में 2 माइनस 2 साइन, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है ना बेटा, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा 6π/2 अपॉन में 4 और साइन क्या हो जाएगा है ना, क्या आएगा साइन एक्स। देखो बेटा कैंसिल करो, करोगे इसको ना तो सिंपल सी बात है, ये 3 आएगा ना, 2 जा 4 और 2 3 जा, तो माइनस 2 साइन, ठीक है, कितना आ गए 3 पाई ना, 3 पाई इंडो में क्या आ जाएगा साइन एक्स है ना। अच्छा अब आपको बेटा पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये 3 पाई, ये 3 पाई है ना। अब भाई सीन क्या, देखो 3 पाई है ना, क्या है 3 पाई है, तो इक्वल टू क्या लाना हमें माइनस का रूट टू ना, क्या साइन 3 पाई है ना। तेरे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर आता 0, यहाँ आता 0, यहाँ पर आता हाँ, यहाँ पर आता है, यहाँ पर क्या आता है 3 पाई आता है ना, 3 पाई आता हमारे पास यहाँ पर,
तो हमारे पास हमें ये सॉल्व करके लाना ना कि 3π आएगा ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं कैलकुलेशन में। ओह क्या कर दिया रे, तब तो करें मैं दिक्कत हो जाएगा रे, क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा ना, ये सब इस होगा ना। ठीक है ओके कोई नहीं, हाँ तो ये गलती हो गया सॉरी। ठीक है तो ये बड़ी कितना हो जाएगा, ये इसे कैंसिल करोगे ना, नहीं तो 0 आने वाला था, ये तो कितना आ जाएगा सर, 2 3 जाओ और 2 2 जाते कितना आ जाएगा, ये 3π/4 और इंटू में साइन एक्स। अब इसको तोड़ो, अब ये माइनस का 2 है बाहर, अब इसको तोड़ना पड़ेगा। आप क्या करोगे, इसको तोड़ो, इसको अगर आप ब्रेक डाउन करो तो कैसे होगा, ये 3π/4 को आप चाहो तो बेटा कैसे लिख सकते हो, हाँ ऐसे लिख दो, लिख दो π - π/4, क्या दिक्कत है, लिखने में क्या जा रहा है ना, लिख दो, बात वही आ रही है। अब आपको पता होना चाहिए कि सर फॉर्मूला हमारे पास कि साइन है ना, हाँ साइन π - θ है ना, तो पाई यहाँ पर होता है, तो π - θ क्या होता है, साइन थीटा ना, तो साइन π - θ तो क्या होगा, साइन थीटा, तो यानी -2 तो साइन π - θ थीटा है, तो साइन थीटा होता है यानी साइन π/4। ठीक है और इनटू में क्या आएगा, साइन एक्स, दो बेटा साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। ठीक है 1/√2 हो जाएगी और इनटू में साइन एक्स। ठीक है और थोड़ा बहुत होता क्या है, ये 2 है ना, इसको हम लिख सकते हैं √2 × √2, क्योंकि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 ही आएगा, नीचे √2 है ही, इनटू में साइन एक्स, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो जो आंसर आ जाएगा माइनस का √2 और साथ में क्या आ जाएगा, साइन एक्स। ठीक है लोगों, यही हमें चाहिए था, बोलो भाई।